हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको समर ड्रेसेस के हिसाब से एक बहुत अच्छा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चैपी ले ली है, जिसकी लंबाई है 15 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 4 इंचेस। 4.5 भी ले सकते हैं अपने गले की चौड़ाई के हिसाब से, और 4 इंचेस भी ले सकते हैं। मुझे नेक की चौड़ाई 3.5 इंचेस चाहिए, इसलिए मैं 3.5 इंचेस पे यहाँ निशान लगा लूँगी। और इसकी गहराई मुझे 3 इंचेस चाहिए, यहाँ मैं 3 इंचेस पे निशान लगा के अब इन दोनों को आपस में मिला लूँगी। स्केल की मदद से मैं दोनों को सीधा सीधा आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ अब मैं 3 निशान लगा लूँगी। सबसे ऊपर हम 2 इंचेस का एक निशान लगाएंगे, उसके बाद उसके नीचे के हिस्से से यहाँ से अब मैं 2 इंचेस पे निशान लगा लूँगी, और इसके बाद यहाँ भी अब मैं 2 इंचेस पे एक निशान लगा लूँगी। ऊपर जो मैंने 3 इंचेस पे निशान लगाया था, यहाँ अब मैं एक निशान 1.5 इंचेस का मिडल में लगा के इन दोनों को गोल शेप दे दूंगी। ऊपर के हिस्से को गोल शेप देने के बाद अब नीचे जो मैंने 2 इंचेस के निशान लगाए थे, उसके मिड में हम इस तरह बबल शेप बनाते जाएंगे। इस तरह से ये हमारा गला बबल की शेप में मैंने इसको पेंसिल से मार्किंग की है। अब इसके साथ साथ हम 0.5 इंचेस पे मार्जिन पे निशान लगा लेंगे, जहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। इन सब निशानात को आपस में मिला लूँगी और इसके बाद इसकी गले की कटिंग कर दूँगी। इसी गले को अब मैंने कपड़े पे इस्त्री की मदद से अटैच कर लिया है और साइडों से उसकी कटिंग कर ली है। अब मैं मशीन पे इसके साइड्स के हिस्से अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी।
साइड्स मैंने इसकी अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। अब आपने कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ना है और जहाँ आपको फील होता है कि यहाँ यहाँ तक चेपी है, वहाँ पे आपने पेंसिल से मार्किंग कर लेनी है। पेंसिल से मैंने चैपी के बिल्कुल साथ साथ निशान लगा ली है। अब मैंने लैस लेनी है और लैस का मिडल आपने पेंसिल के निशान के ऊपर रख के इस तरह से इसको अटैच करते जाना है। पेंसिल से मार्किंग आपने ज़रूर कर लेनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी लैस गला लगाते वक्त आधी अंदर की तरफ रह जाएगी और आधी बाहर की तरफ आ जाएगी और आपका गला बिल्कुल नीट नहीं बनेगा। इस तरह से मैं अब इसको अटैच कर रही हूँ। आपने भी ध्यान रखना है कि लैस आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गला नीट बना हुआ हो तो सारी शर्ट नीट लगती है और अगर गला टेढ़ा मेढ़ा बना हो तो फिर शर्ट नीट नहीं लगती। यहाँ अब मेरा गला तकरीबन रेडी हो गया है, लैस लग चुकी है। जिस तरह से अब ये मेरे पास रेडी हुआ है और अब मैं इसको शर्ट के सीधे हिस्से पर रख के कुछ इस तरह अटैच कर लूँगी, यानी शर्ट का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ है और जो ऊपर चैपी वाला सीधा हिस्सा है वो शर्ट की तरफ है, और ऊपर की तरफ आपके पास चैपी वाला हिस्सा होना चाहिए ताकि आप सिलाई लगा सकें। इधर अब मैं चैपी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाती जाऊंगी। ये भी बिल्कुल आपने ध्यान से लगानी है, चैपी से इधर उधर या चैपी के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। साइड्स वाले कपड़े को आपने साथ साथ सीधे करते जाना है ताकि कपड़े में कोई चुनट ना आए। हाँ, मैंने सिलाई लगा ली है और अंदर से मैं कपड़े को 0.5 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी। और कुछ इस तरह से मैंने कटिंग की है। कटिंग करने के बाद आपने अंदर छोटे छोटे कट्स भी लगाने हैं ताकि कपड़ा अंदर इजीली फोल्ड हो जाए। मैंने इसको ऊपर से प्रेस कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कितना नीट हमारा गला बना है। यहाँ पर अब मैं ये कपड़ा ले लूँगी, इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड करके
सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल बराबर रख के इसको सेंटर से एक निशान देके बिल्कुल बराबर आपने रखना है। और यहाँ पे अब मैं इसको पिन अप कर लूँगी। पिन अप करने के बाद लेस के बिल्कुल साथ साथ कपड़े पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। गला हमारा यहाँ तकरीबन रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।